घर से जाते हैं तो हाथ और हिलाओ करते हैं। हाँ हाँ मतलब जो कहू करते हैं अब आए सो आए अब कबू बतेगी। हमें तो ऐसा लग रहा है कि जमाना थोड़ा शॉर्ट चलने लगा, शॉर्ट हो गया, शॉर्ट में लोग चलने लगे ऐसा लग रहा है। पहले जब पैर छुए जाते थे तो अपना सर पैरों पर रख देते थे, लेट जाते थे सामने तब पैर छुए माने जाते थे, फिर कुछ पढ़े लिखे भाई फिर उससे थोड़ा शॉर्ट हो गया भाई, हाथ से छुए के माथे से लगाए उठे फिर कुछ और शॉर्ट हो गया, परियां छुए के छाती से लगाए उठे अब तो बिल्कुल ही शॉर्ट है। देहात में आज भी अच्छा है, बड़ी बड़ी पार्टियां उसमें देखो परियन लोग पहुंच गए तो पहुंच गए एक दूसरे को पेटू छू लेते हाँ, कछ तो झुकत ना है और कछ भगवान की दुआ से ऐसे पेंट चले भी झुक नहीं मैं बैठ। समझ में नहीं आता, लगता है ऐसा है कि हम सब लोग पढ़े लिखे हो गए ना इसलिए, फिर बदलाव तो है। पहले जब घर का मेन दरवाजा होता था, देखा होगा सब लोगों ने देखा होगा वो, तो घर का मेन दरवाजा होता था बड़े बड़े अक्षरों में लिखवा दिया जाता था स्वागतम स्वागतम खत्म, फिर लिखने लगे वेलकम। अब वेलकम अब न स्वागतम न वेलकम कुछ है नहीं, शहरों में देखो मैंने खुद देखा है अब न स्वागतम न वेलकम, अब बड़े बड़े अक्षरों में लिखवा देते कृपया कुत्तों से सावधान। अब मेरी तो समझ में ये नहीं आता कि घर में रह कौन रहा है भाई, थोड़ा उल्टा हो गया, उल्टा ऐसा हो गया। अब मुझे ध्यान है मेरी दादी माँ थी दादी, तो जब मैं छोटा था तो वैसे ही गांव में वैसी रसोई हुआ करती थी और डंडा लेके हमें बैठाता हूँ जाते बोले तुम यहाँ बैठे रहो जो देखी कोई कुत्ता ना आ जाए। और अब कुत्तों को दरवाजे पे बैठा दिया जाता है, यहाँ बैठे देखते रहो कोई आदमी ना आ जाए। भागवत में बताया बड़ों का सम्मान करने से, बड़ों को प्रणाम करने से चार चीजें बढ़ती है, चार अभिवादन सीलस से नित्यम वृद्धो बसे दिन है चतवार तस्य वर्धन्ते आर विद्या यशो बलम, आय विद्या यश और बल, तो सम्मान तो करना चाहिए लेकिन थोड़ा शॉर्ट हो गया, करते तो सब लोग हैं थोड़ा शॉर्ट है। और राम राम तो बिल्कुल ही शॉर्ट है, मालूम कर नहीं कहे का नहीं सोच मालूम का कहीं नहीं, क्या दशा है कि सारी रीति रिवाजें टूटी अब फैशन में दुनिया लूटी। हमें तो ऐसा लग रहा है कि हम लोग राम कृष्ण के बारे में थोड़ा कम ध्यान दे पा रहे हैं और फिल्मी एक्टरों के बारे में थोड़ा ज्यादा ध्यान जा रहा है। वो पर्दे पे कैसे निकल गए हमें वैसे ही बनना है, कपड़े कैसे हमें पहनने, सर के बाल कैसे हमें कटवाने, अब माफ करें भाई अब कटिंग की तो कुछ कहो नहीं। हमेशा कोई ऐतराज नहीं है हाँ, लेकिन जब मैं देखता हूं तो थोड़ा अजीब सा लगता है अंदर से। बड़े बूढ़े लोग बताया करते हैं कि पहले जो लोग जमींदार थे ना जमींदार, किसी को अगर सजा दी जाती थी तो थोड़े बाल इधर से कटवा दिए थोड़े इधर से कटवा दिए छोड़ दिया बोलूंगा। अब मेरी समझ में यह नहीं आता है ये हमारे भाई लोग किस बात की सजा भुगत रहे बेचारे। अब तो मैंने देखी वो लाइन और बनवा ले तो चारों तरफ से